मार्शल आर्ट में बेल्ट सिस्टम का आविष्कार किसने किया और हम इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मार्शल आर्ट की दुनिया में बेल्ट सिस्टम प्रगति और कौशल स्तरों को ट्रैक करने का एक अभिन्न अंग है। यह शुरुआती और मास्टर्स के बीच अंतर करने का एक शानदार तरीका है और यह सीखने की प्रक्रिया में उत्साह और प्रेरणा का एक तत्व जोड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले इस विचार के साथ कौन आया था? हालांकि एक बात निश्चित है, सदियों से बेल्ट सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। शुरुआत में मार्शल आर्ट प्रशिक्षक अपने छात्रों के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए वर्णनात्मक शब्दों का उपयोग करते थे, लेकिन यह प्रणाली व्यक्तिपरक थी और इसमें मानकीकरण का अभाव था। बाद में कुछ स्कूलों ने सर्टिफिकेट सिस्टम का उपयोग करना शुरू कर दिया, जहां छात्रों को उनकी उपलब्धि का एक कागज का प्रमाण मिलता था। लेकिन 20वीं सदी तक ऐसा नहीं था कि आधुनिक बेल्ट सिस्टम, जैसा कि हम आज जानते हैं, आकार लेना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट हजारों सालों से मौजूद है, जिसकी जड़ें प्राचीन चीन, जापान और कोरिया तक फैली हुई हैं। समय के साथ अलग अलग शैलियां उभरी, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी तकनीकें, दर्शन और शिक्षण विधियां थीं। इस विकास के दौरान बेल्ट सिस्टम ने सीखने की प्रक्रिया को मानकीकृत और व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोटोकान कराटे के जनक गिचिन फुनाकोशी और जूडो के संस्थापक जिगोरो कानो जैसे प्रमुख लोगों ने बेल्ट सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जापान में ईदो काल के दौरान रैंकिंग प्रणाली स्क्रॉल और प्रमाण पत्रों की एक श्रृंखला पर आधारित थी, जिसे मेनक्यो के रूप में जाना जाता था। ये स्क्रॉल छात्रों को अध्ययन के एक विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने पर दिए जाते थे और वे किसी छात्र की विशिष्ट तकनीकों में महारत के प्रमाण के रूप में काम करते थे। इस प्रणाली को बाद में अन्य मार्शल आर्ट शैलियों द्वारा अनुकूलित और संशोधित किया गया, जिससे अंततः आधुनिक बेल्ट प्रणाली का उदय हुआ। बेल्ट प्रणाली को लोकप्रिय बनाने में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक जिगोरो कानो थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में डैन रैंकिंग प्रणाली की अवधारणा पेश की। कानो की प्रणाली, जिसमें विभिन्न स्तरों की दक्षता को दर्शाने के लिए रंगीन बेल्ट का उपयोग किया जाता था, ने जल्दी ही लोकप्रियता हासिल कर ली और अन्य मार्शल आर्ट शैलियों में फैल गई। आज बेल्ट प्रणाली दुनिया भर में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग है। यह सीखने और सुधार के लिए एक स्पष्ट संरचना प्रदान करती है और यह छात्रों को अपनी प्रगति को ट्रैक करने और अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देती है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रतिष्ठित प्रणाली के आविष्कार का श्रेय हमें किसे देना चाहिए? बेल्ट सिस्टम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सबसे विश्वसनीय स्रोत गिचिन फुनाकोशी को जाता है, जिन्होंने अपने लेखन और शिक्षाओं के माध्यम से इस अवधारणा को दुनिया के सामने पेश किया। फुनाकोशी के काम का आधुनिक कराटे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और बेल्ट सिस्टम के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण ने इसे व्यापक रूप से अपनाने में योगदान दिया। निष्कर्ष में, बेल्ट सिस्टम मार्शल आर्ट संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसकी उत्पत्ति रहस्य और साजिश में डूबी हुई है। जबकि हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते हैं कि बेल्ट सिस्टम का आविष्कार किसने किया, हम यह जानते हैं कि यह प्रगति और कौशल स्तरों को ट्रैक करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है और यह दुनिया भर के मार्शल कलाकारों को प्रेरित और प्रेरित करता रहता है। बेल्ट सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें और यदि आप मार्शल आर्ट के इतिहास के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो कराटे शैलियों के विकास पर हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें।